मौसी जी रूप कुंवर तुम्हें कितनी बार समझाऊं तो मौसी मत ना कहा करें। गलती हो गई माता जी। मौसम की तरफ देख रहा है, ठंडा है। मतलब मौसी कह के सारे मौसम की ऐसी की तैसी कर दी इसने। मतलब कोई दुआ सलाम राम राम ये सब मौसम के अनुसार? मौसम के अनुसार होनी चाहिए। अच्छा तो फिर यूं बता दे, मौसी और माना कहूं तो के कहूं? के कहे? हाँ। कभी कभी जान, कभी कभी जाने मन, कभी कभी महबूबा, कभी कभी दिल रुबा, और कि मैं भी ना तो बेईमान मौसम की तरफ देख कर डार्लिंग ही कह दे। डार्लिंग कह दूं? तुझे शर्म नहीं आती? अजी शर्म किस बात की? किसी ग्रंथ में, किसी इतिहास में, और कोई ये कह दे आज तक कि एक बेटा ने अपनी माँ को किसी इतिहास में अगर डार्लिंग कहा हो तो तू बता दे मुझे। अजी मैं तुम्हें अपना बेटा थोड़ी ना मानू हूँ। और फिर एक बात और है मौसी। क्या? कि ये जो जान जाने मन दिलरुबा महबूबा और प्लस डार्लिंग, ये सब मैं नहीं कह सकता। क्यों? ये तो मेरा पिताजी कहेगा, तो वो लगा रहा बिंडी और स्वापी बांध के बैठा, वो कहेगा तुझे डार्लिंग। सुनो इतनी हंसने की जरूरत नहीं, जब वो डार्लिंग कहे तो क्या हो जाए? जब वो डार्लिंग कहे ना तो कह नहीं पाता डार्लिंग। डार्लिंग नहीं कह पाता? बिल्कुल नहीं कह पाता। कैसे? वो जब डार्लिंग कहने की कोशिश भी करे तो डा अलग हो जाए, लिंग अलग हो जाए। अच्छा ज्वाइंट आ जा बीच में। कोई बात नहीं, तू जाने और पिताजी जाने, मेरी तो एक छोटी सी गेंद आई है तेरे महल में, वो लौटा दे वापस। मैं कितनी देर की कह रही हूँ कि अब तेरी छोटी सी गेंद से खेलने की उम्र नहीं रही, फिर अब तो तू फुटबॉल से खेला कर। मेरी छोटी सी गेंद वापस लौटा दिला। एक गेंद हुई है? हाँ। चल महल में चल, तेरे दो दूंगी। ले भाई हद कर दी। तू जिन दो गेंदों की तरफ इशारा करे है ना, उनते भी खेलने का अधिकार इस पिताजी का ही है। अब भी हंसने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत बार कोशिश की कि इनके साथ मैं खेल लूं। हाँ। लेकिन एक रूप पहली बॉल में आउट हो जाए। अच्छा आप बोल, अगर यो बैटिंग के मतलब का नहीं है तो इसमें फील्डिंग करवा लिया कर। वो भी बस की नहीं है इसकी। हाँ। फील्डिंग भी बस की नहीं। क्यों? पहली ही बॉल है, जैसे ही फील्डिंग के नाम का इसने खड़ा करे। हाँ। ग्राउंड में। हाँ। तो हाथ तक कैच छोड़ दे, बता क्या करूं इसका। कोई नहीं, इसने अंपायर खड़ा कर लिया कर। अजी फिर भी नो बॉल दे दे, यो किसी काम का ना रहा तो क्यों मेरे पे बॉल खुलवावे इसकी। कह दे अपनी बात। सुन ले। सुना दे। अरे रूप कवर तेरी शान देख के, अरे ना काबू में गात मेरा। ग्राउंड छोटा है, मैं का ध्यान तक खेली हूँ। छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूंगी। अरे मौसी दे दे। गेंद मेरी तू और मत ना पकड़ हाथ मेरा। रूप कवर तेरी शान देख के ना काबू में गात मेरा। क्या मौसी दे दे, मौसी दे दे, गेंद मेरी तू मत ना पकड़ हाथ मेरा। रूप कवर तेरी बड़ी बहन जी निगम पार्षद जिला, हेलो जिला बुलंदशहर से,
और न्यू कह रही है गलती कर दी बहन, न्यू कह रही है ठाड़ी पड़ी रहे। और रही मैं तुम्हारे क्या बोल रहे थे आप बोलो दोबारा से। बहन जी यो तो अधर्म पे हर मैं धर्म पे हूँ, तेरा छोटा भाई हूँ, इसने क्यों दे दिए। अजी कहाँ अधर्म की बात है, ये तो प्यार की बात है। और रही ताली हो जाए एक बार जोरदार। और पहले तुम क्या कह रहे हैं, जो मुझे दिए हैं तुम्हें नहीं दिए। बगले तेरा मेरा किसने बांटा है, वो तुम्हें पता क्यों दे के गए। लुका मौसी थोड़ी तंदुरुस्त है, रूप कवर थोड़ा कमजोर है, कुछ खा पी लिया कर मौसी की टक्कर ले लेगा। सुन ले अरे बेसकले जचारे गंद पर जवानी चोबन का खुद मालिक बन के रही है तू। और इन बातान मेरे बाप के कैसा देखे। अरे तेरी तो करतूत तने इतना घी खवा दिया, देख ले आज के भुगतनी पड़ रही होने। और इन बातान मेरे पिता के स्वामी जाके कही घबराइए तू, मत उसे घबराइए तू। अब रूप जान ले सार मेरा, अरे कई जन्म तक सेता कयो इतना बड़ा घाट तेरा। रूप कवर तेरे ही शान देख के ना काबू में घाट मेरा। मौसी तेरे हाथ मेरी तू मत ना पकड़ हाथ मेरा। ये रूप कवर तेरी शर्मा जी के लिए ये 2100 रुपए हमारे विद्याराम पहलवान जी क्योंकि हम मौसी को दे रहे हैं और दिल ठोक के दे रहे हैं। न्यू भी कह रहे हैं कि राजवाला कोई बात ना, इन्हें तू एक बार हमारे अखाड़े में भेज दे, इसने ट्रेंड हम करेंगे। फिर जो 2100 रुपया दिए उसके कुछ बादाम आदम से लेके इन्हें घोल घाल के इसमें प्या दिया करे, थोड़ी सी सेहत ठीक ठाक सी हो जाएगी। मौसी देख मेरे से हाथ तो लगावे मत, बिल्कुल दूर रहे। ये हो जाएगा हाथ लगता ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कलियुग का रूप कवर है श्री भीम पहलवान प्रधान घडोली से 1000 रुपया पहले और 2100 इब यानी कि 3100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय भीम पहलवान प्रधान जी घडोली से। और 1100 रुपया श्री श्यामलाल प्रधान घडोली से, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और 100 रुपये और छोटा बच्चा, नाम नहीं बताया बहन जी ने। बहुत धन्यवाद। अरे आज का दुखड़ा से नहीं भला
दरिया घासिल जांगे मेरे किस दरिया घासिल जांगे मतलब पहलवान के ऑफिस में रहे तेरी गेंद अजी वहाँ बॉक्स भरा पूरा गेंदों का श्री हरपूर सिंह जी कश्यप उप प्रधानाचार्य 101 रुपया हम दोनों ही कलाकारों के लिए दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना जाम पर जाम पीने से क्या फायदा सुबह पिएगा तो शाम को उतर जाएगी और शाम को पिएगा तो सुबह उतर जाएगी पगले दो बूंद मेरी आंखों से पी ले तेरी जिंदगी सवर जाएगी सुन ले मसी क्या दो दिन की जिंदगी है मजे लूट ले अजी मजे लूटने की तो बात कर रही हूँ पर मैं भी तो बता दूँ थोड़ा सा नुक्सा बता क्या दो दिन की जिंदगी है मजे लूट ले और तेरे
सामने कुर्सी पे बैठा है मेरा पिताजी दिले समंदर, जिधर से चाहे उधर से घूंट ले। के बात है बुढ़ाड़ा, हौले हौले गर्दन हिला रहा है। तेरे सामने बैठा है दिले समंदर, जिधर से चाहे उधर से घूंट ले, एक बूंद भी बाकी ना। अगर ज्यादा सर्दी पड़े है तो चली जा मेरी पिताजी की बाहों में, वरना ठा अपना बोरिया बिस्तर और यहाँ तक फूट ले। हो जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल भाते रहे, ये बता दो वही तो नहीं, वही तो नहीं, ये जिनके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो बता दो, ये बता दो वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। तुल्य श्री अमरीश गौतम जी, डिप्टी स्पीकर विधानसभा दिल्ली, एक बार फिर से हम दोनों कलाकारों के लिए 200 रुपए का इनाम देते हैं। बाबूजी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धूल गिर के नशा इश्क का कर जाइए, धर्मराज का